आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पहले थोड़ा स्टेटमेंट को देखें उसके बाद बेसिक्स पे जाएंगे हम ठीक है तो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है स्टेटमेंट कहता है कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है एक्सटर्नल टॉर्क अगर ना लग रहा है तो असल में हमने टॉर्क ऑलरेडी डिस्कस किया टॉर्क क्या है टॉर्क भी एक किस्म की फोर्स है ठीक है तो अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सरेशन लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में टॉक इज इक्वल टू आई एल्फा ठीक है यहाँ पे फोर्स यहाँ पे टॉर्क ठीक है अब टॉर्क भी एक फोर्स है ठीक है तो यहाँ पे लीनियर मोशन में मास की बात हो रही है रोटेशनल मोशन में मास की जगह हम किसका यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं मोशन में अल्फा एक्सरेशन रोटेशनल मोशन में ठीक है तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी ठीक है क्या कहता है कि बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा ये क्या है डी पी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो एक बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे लीनियर मोशन की बात हो रही है न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है क्या कहता है कि एक बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा जब उस पर फोर्स लगेगी सेम उसी तरीके से अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कैसे क्या लिखेंगे हम टाव इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी ठीक है क्या मतलब है कि एक बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो सेम रोटेशनल मोशन में एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होगा जब उस पर टॉर्क लगेगा ठीक है तो प्रिंसिपल क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे तो दैट मीन्स उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है क्लियर फर्दर हम देखें फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मेकिंग रिजिड बॉडी टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ठीक है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ फिर से एक बार बता देता हूँ मैं कि सिस्टम ऑफ़ एन पार्टिकल्स एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं ठीक है और रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ठीक है टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज ऑनली अब उस बॉडी पे जो टोटल टॉर्क लग रहा है ठीक है इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज आनंद किसकी वजह से सिर्फ एक्सटर्नल फ़ोर्सेज की वजह से लग रहा है ठीक है द इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ़ द बॉडी डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क ठीक है अब इंटरनल फोर्सेज भी लग रही हैं कुछ पार्टिकल्स पे तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टॉर्क में ठीक है तो अगर हम बात करें लीनियर मोशन की बात करें तो हम क्या ले रहे हैं एक सिस्टम ले रहे हैं हम उसमें हम कह रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ठीक है अगर उस सिस्टम पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो दैट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें कहता है ठीक है उसी तरीके से हमने क्या लिया तो हमने एक रिजिड बॉडी ली ठीक है और रिजिड बॉडी ली तो क्या करता है अगर उसमें रोटेशनल मोशन है तो एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है ठीक है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ठीक है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अब अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं तो ये जो अंदर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं फ़ोर्स लगा रहे हैं ये इस पे लगा रहा है ये इस पे लगा रहा है तो वो फोर्सेस वहीं पे कैंसिल आउट हो रही हैं जैसे लीनियर मोशन में हो रहा था ठीक है वहाँ भी दो पार्टिकल्स मान लो कोई भी दो पार्टिकल हमने उस सिस्टम में लिए तो ये पार्टिकल क्या रहा है ये इस पर फोर्स लगा रहा है ये इस पर फोर्स लगा रहा है इंटरनल फोर्सेज की बात हो रही है ठीक है अभी एक्सटर्नल फोर्सेज की बात नहीं हो रही इंटरनल फोर्सेज तो अंदर जो पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और वो वहीं पर कैंसल आउट हो रही है बेसिक कंसेप्ट है ठीक है अब बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्सेस की एक्सटोर्सेज की अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे लग रही है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो दैट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा ठीक है अगर सेम उसी तरीके से इस रिजिड बॉडी पे अगर कोई टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तो दैट मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं कि टोटल टॉर्क जो है इज इक्वल टू जो अभी पीछे मैंने कहा कि f इक्वल टू डी पी बाई डी टी तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं टाव इक्वल टू डी एल बाई डी टी ठीक है कि टॉर्क लगेगा दैट मीन्स बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा ठीक है देयर फोर वेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स ऑन द सिस्टम अब बात हम करेंगे कि उस सिस्टम uh, पे टॉर्क नहीं लग रहा है जो बॉडी हमने रिजिड बॉडी ली ठीक है इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है अगर इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो हमने क्या लिखा इज इक्वल टू तो जीरो अगर टॉर्क नहीं लग रहा है दैट मीन्स डी बाई डी एल बाई डी टी जो है वो क्या होगा जीरो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा अगर टॉर्क ही नहीं लग रहा है तो दैट मीन मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है एल टू टेल टू कॉन्स्टेंट तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का कुछ समय पहले था वही कुछ समय बाद भी इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा ठीक है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें कहता है ठीक है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस के इर्द गिर्द इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है अगर इस एक्सिस पे जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो उस वक्त अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा मे बी बाकी एक्सिस के इर्द गिर्द टॉर्क लग रहा हो

उस सिस्टम का वही एंगुलर मोमेंटम अभी भी रहेगा ठीक है नो मैटर व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है दैट मीन्स इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है थैंक यू